फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वुमेंस क्लब में। भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतना व्यस्त हो गए हैं कि हमें अपने आप के लिए भी समय नहीं मिल पाता। दिन भर या तो आप अपने कामों में या फिर ऑफिस के कामों में उलझी रहती हैं। काम के बोझ के कारण आप अपने लिए खास समय नहीं निकाल पाती। इसका मुख्य कारण यह होता है कि हम अपने परिवार और काम को लेकर इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप का हमें कोई होश नहीं रहता। अपने घर परिवार और ऑफिस के कामों की तरह ही आपको खुद का भी ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप लोगों की भीड़ में अलग से ही नजर आए। वहीं अगर आपकी आईब्रो पतली और हल्की हो जाती है तो आपकी खूबसूरती में कमी नजर आने लगती है, क्योंकि घनी आईब्रो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाती है। घनी आईब्रो के कारण आपकी खूबसूरती दोगुना ज्यादा बढ़ जाती है। हर लड़की या महिला अपनी आईब्रो को सुंदर और आकर्षित बनाना चाहती है। आईब्रो के सामान्य सोच के अनुसार मेकअप के माध्यम से भी घना बनाया जा सकता है, लेकिन बार बार मेकअप करने से बेहतर है कि आप आईब्रो को घनी बनाने के लिए कुछ घरेलू उपायों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस जानकारी को बताने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड जानकारी आप तक पहले पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। पहला है बादाम का तेल। बादाम का तेल आईब्रो का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए काफ़ी मददगार होता है। बादाम के तेल में विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है, जिससे बालों की ग्रोथ होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए रोज रात को आपको सोने से पहले अपनी आईब्रो में बादाम का तेल लगाकर अच्छे से मसाज करें। दूसरा है दोस्तों, कैस्टर ऑयल। अगर आप भी अपनी आईब्रो को घनी और सुंदर बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं। कैस्टर ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो रक्त संचार को बेहतर बनाने में मददगार होता है। इससे आपकी आईब्रो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। सोने से पहले अपनी आईब्रो पर कैस्टर ऑयल लगा लें, ऐसा रोजाना करें, आपको अपनी सुंदर आईब्रो से प्यार हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों, मेथी। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेथी को बालों में लगाने से बाल घने और मोटे हो जाते हैं, इसी तरह इस पेस्ट को आईब्रो में लगाने से आपकी आईब्रो घनी और मोटी होने के साथ साथ हेल्दी भी होगी। इसके लिए आपको मेथी को एक रात पहले पानी में भिगोकर रखना होगा। अगले दिन सुबह होते ही इसका पेस्ट बना लें और इसे अपनी आईब्रो पे 5 से 6 मिनट के लिए लगाकर रखें। इसके बाद इसे पानी से धो लें। चौथा है दोस्तों, प्याज का रस। प्याज का इस्तेमाल आप ज़्यादातर अपने खाने में करते हैं, लेकिन आप शायद प्याज के इस फायदे को नहीं जानते कि प्याज के रस को अपनी आईब्रो में लगाकर मसाज करने से आपकी आईब्रो घनी हो जाती है। प्याज के रस को रुई में लगाकर आईब्रो में लगाएं और इसे 15 से 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे होने वाले लाभ को देखकर आप यकीनन संतुष्ट होंगे और आपकी आईब्रो घनी और मोटी हो जाएगी। पांचवा है दोस्तों, नारियल तेल। नारियल तेल बहुत फायदेमंद होता है। इसको बालों या शरीर के अंग में लगाने से काफ़ी फायदा होता है। इसे बालों में लगाने और मालिश करने से आपके बाल लंबे और घने हो जाते हैं। पतली और हल्की आईब्रो के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करें, इससे होने वाला फायदा आपको खुद नजर आएगा। तो दोस्तों, आप भी इस घरेलू उपाय को अपनाकर अपनी आईब्रो को घनी और खूबसूरत बना सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।